नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को दोस्तों पता है कि परमाणु बम क्या होते हैं और फिलहाल इससे हमें क्या नुकसान है। दोस्तों जिनको नहीं पता है फिलहाल ये वीडियो उनके लिए है, और जिनको इनके बारे में पता है तो फिलहाल उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देखोगे कि परमाणु बम की मारक क्षमता कितनी है, मतलब कि कितनी दूर तक ये अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये सब। दोस्तों परमाणु बम आप सभी जानते हो कि क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। फिलहाल मैं इस वीडियो एपिसोड में तो इसके बारे में नहीं आऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं मेनली यहाँ पर कंसर्न करूंगा कि एक परमाणु बम की कितनी क्षमता होती है। तो फिलहाल दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके टाइप। दो टाइप के परमाणु बम आपको मिलेंगे। एक होता है दोस्तों आपका ए बम, जिसको हम लोग बोलते हैं अटोमिक बम, और दूसरा दोस्तों होता है एच बम, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बम। और फिलहाल अटोमिक बम में आपका फ्यूजन बेस बम है, जिसमें आपका जो हैवी एलिमेंट होते हैं वो टूट के लाइटर एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और फिलहाल यहाँ पर जो भी मास डिफेक्ट आता है आइंस्टीन के सिद्धांत के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और जबकि हाइड्रोजन बम में दोस्तों आपके छोटे जो परमाणु होते हैं वो आपस में चिपक के एक बड़े परमाणु मतलब हैवी एलिमेंट को यहाँ पर फॉर्म करते हैं, और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भी मास में डिफेक्ट आता है तो फिलहाल उसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी अमिट होती है। अगेन ये आइंस्टीन के सिद्धांत के ऊपर ही वर्क करता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इन बम की मारक क्षमता। तो फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पे। हिरोशिमा पे दोस्तों आपका गिराया गया था लिटिल बॉय। फिलहाल जो इसकी यील्ड थी मतलब इसकी जो क्षमता थी वो थी 13 से लेकर 18 किलोटन ऑफ टीएनटी। ये एक यूरेनियम मटेरियल बेस्ड बम था। और फिलहाल उसके बाद दोस्तों आपको पता है नागासाकी पर भी एक बम गिराया गया, जिसका नाम था फैट मैन। और फैट मैन की दोस्तों जो क्षमता थी वो थी 20 से लेके 22 किलो टन ऑफ टीएनटी, और फिलहाल ये था पोलोनियम मटेरियल बेस्ड बम था। तो यहाँ पर देख सकते कि फैट मैन और लिटिल मैन में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो कहर भर पाया था, तो फिलहाल उसके बाद जापान को सरेंडर करना ही पड़ा। तो दोस्तों ये तो थे पुराने बम। आइए देख लेते कि हमारे पास कौन से बम है। दोस्तों हमने जो सबसे पहले बम का परीक्षण किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और उसका परीक्षण दोस्तों हुआ था 1974 में, और दोस्तों उसकी जो क्षमता थी वो थी 12 किलो टन की, और ये एक फ्यूजन बेस बम था। इसके बाद दोस्तों हमने किया था 1998 में, नाम था पोखरण 2, और इसकी जो क्षमता थी वो थी 200 किलो टन की, और फिलहाल ये फ्यूजन बेस मतलब कि दोस्तों ये आपका एच बम वाली कैटेगरी का बम था। आइए दोस्तों देख लेते कि हमारी पड़ोसी मुल्क ने कौन से न्यूक्लियर वेपन्स का यहाँ पर परीक्षण किया। दोस्तों उनका जो पहला परीक्षण था बिल्कुल सेम उसी मंथ में जिस मंथ में हम लोगों ने यहाँ पर पोखरण 2 का परीक्षण किया था, उसी मंथ में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शघाई 1 का परीक्षण किया था, और फिलहाल उसका जो मारक क्षमता थी दोस्तों वो थी 40 किलो टन ऑफ टीएनटी, और ये एक फ्यूजन बेस्ड बम था। उसी मंथ के 4-5 दिन के बाद उन्होंने दूसरे बम को टेस्ट किया 1998 में, उसकी जो क्षमता थी वो थी करीबन आपके 20 किलो टन। तो फिलहाल ये भी आपका फ्यूजन बेस बम है। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा डाटा जो कि यहाँ पर जो टेस्टिंग हुई है उन बम्स की, यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। दोस्तों आइए आप देख लेते हैं कि अगर मेरे पास 1 मेगाटन का बम है, हालांकि 1 मेगाटन के बम को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, जो हमने टेस्ट किया था अभी तक दोस्तों वो था करीबन दिसंबर 2 मेगाटन का, मतलब कि 200 किलो टन का। तो फिलहाल अगर हमारे या हमारे पड़ोसी मुल्क के पास 1 मेगाटन का बम है, 1 MT का बम है, तो फिलहाल इसकी कितनी क्षमता होगी। तो दोस्तों क्षमता की बात करें तो यहाँ पर बम लेट सपोज फटता है आपका यहाँ पर, और ये दोस्तों जमीन से करीबन 1 से 2 किलोमीटर ऊपर फट रहा है। तो फिलहाल इसकी क्षमता देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्षमता डिवाइड हो रही है एयर प्रेशर के ऊपर, पाउंड पर स्क्वायर इंच में मैं इसको मेजर कर रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर है वो है इस एरिया में दोस्तों 12 PSI का प्रेशर मिल जाएगा। दोस्तों उसका जो रेडियस होगा वो होगा करीबन आपका 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर के अंदर आपको 12 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर मिलेगा। और ये है आपका दोस्तों फायरवॉल रीजन, मतलब कि जहां पर असल में बम अपनी आग उगल रहा है, तो फिलहाल वो है रीजन। फिलहाल इस रीजन में अगर मरने वालों की संख्या देखी जाए तो 98% जो लाइफ है वो पूरी की पूरी यहाँ पर डेड हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद जहां पर आपका 5 PSI प्रेशर है, मतलब कि ये आपका रहेगा 0 से लेके 4.8 किलोमीटर तक, तो मतलब कि करीबन 5 किलोमीटर तक आपका जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा, वो होगा 5 PSI। और फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ आपके जो कान के पर्दे हैं वो फट जाएंगे, क्योंकि आपका जो कान का पर्दा है वो सिर्फ 5 PSI तक ही झेल सकता है।
तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप बच भी गए बट ईयर ड्रम है वो दोस्तों बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, आप बिल्कुल सुनने लायक नहीं बचोगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो मरने वाले की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 50%, मतलब 50% जो पॉपुलेशन है वो प्योरली डेड हो जाएगी, और 40% जो पॉपुलेशन है वो बैडली इंजर्ड होगी, मतलब बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जख्मी होगी। फिलहाल इसके बाद दोस्तों जो रीजन आता है वो आता है 2 PSI वाला, और ये दोस्तों ये रीजन रहेगा आपका सेंटर से लेके आपका रहेगा 7.5 किलोमीटर तक की रेंज का। तो फिलहाल 7.5 किलोमीटर की रेंज में करीबन करीबन जो मरने वालों की संख्या होगी वो होगी करीबन 5%, और फिलहाल इसमें से 45% लोग बुरी तरह से इंजर्ड होंगे। आगे दोस्तों आदेश होते हैं कि 1 PSI की जो रेंज है वो रेंज होगी दोस्तों आपकी 12 किलोमीटर तक की। तो 12 किलोमीटर की रेंज में आपकी जो मृत्यु, मतलब कि यहाँ 2 से लेकर 1 तक की रेंज में जो मरने वाले की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 0। बट दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से 25% यहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड होगी, जबकि दोस्तों 75% यहाँ पर प्योरली सेफ है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, आपने इस एरिया पर, इस पिन पॉइंट पर आपने 1 मेगाटन का हाइड्रोजन बम डाला है। दोस्तों अगर 1 मेगाटन का आप फ्यूजन बम डाल देते दोस्तों, ये जो यील्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इतने परसेंट लोग यहाँ पर मर रहे हैं दोस्तों, इनकी संख्या बढ़ सकती थी, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट भी है, रेडिएशन भी है, और इवन दोस्तों जो वहाँ पर गुब्बार उठेगा बम के बाद, जो ऊपर से क्लाउड उठेगा जो वापस नीचे आएगा, तो फिलहाल उस केस में जो मरने वाले की संख्या वो और भी बढ़ सकती है। और इवन दोस्तों अगर यहाँ पर आंधी तूफान चल रहा है तो फिलहाल वो क्लाउड उड़ता उड़ता मे भी आपके पड़ोसी मुल्क तक पहुंच जाए, और उस केस में वहां की जनसंख्या है वो भी यहां पर नष्ट हो सकती है। इवन दोस्तों इसके जो रेडिएशन के हैजर्ड्स हैं, आप पूरी तरह से नपुंसक बन सकते हो। इवन दोस्तों आप ही नहीं, आपके आने वाले जो पीढ़ियां होंगी, हालांकि होंगी कैसे अगर नपुंसक हो जाओगे, बट दोस्तों अगर फिर भी पीढ़ियां बनती हैं, आगे आती हैं, तो फिलहाल उनमें भी कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा, 3rd, 4th, 5th जनरेशन तक दोस्तों ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये मैंने यहाँ पर जो बताया ये है फ्यूजन बेस्ड बम, हाइड्रोजन बम की यहाँ पर यील्ड अगर आप 1 मेगाटन का यहाँ पर बम दागते हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फ्यूजन बेस्ड मतलब यूरेनियम प्लूटोनियम बेस बम को दागोगे, बाद में होने वाले इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा सीरियस होंगे एज कम्पेयर टू ब्लास्ट इफेक्ट। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि फिलहाल आप सभी यही प्रार्थना करें कि ऐसी कोई वार छिड़े ना जिसमें ये परमाणु बम हमारे चले। फिलहाल यहाँ पर पड़ोसियों में हमेशा लड़ाई होती रहती है, बट दोस्तों इस कदर लड़ाई को ना बढ़ा दें कि हम लोगों को इस परमाणु बम को यहाँ पर चलाना पड़े, इसमें उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको यही बताया ब्लास्ट से कितना नुकसान होता है दोस्तों, इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन का, जो क्लाउड्स ऊपर जाते हैं वो वापस आते हैं, बरसते हैं, फिलहाल उसके बाद जो यहाँ पर नुकसान होता है दोस्तों उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आप इतना मान लीजिए, अगर मैं लाहौर पर बम गिराता हूँ तो फिलहाल मेरा अमृतसर से लेकर पठानकोट तक का एरिया पूरा का पूरा सफा चट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप सोच लीजिए कि इस परमाणु बम की कितनी यहाँ पर क्षमता है, और फिलहाल ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर कवर अप कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, छोड़ दीजिए, लड़ते हैं हम लोग, अपने घर में भी हम लोग लड़ते हैं, तो फिलहाल हम लोग इस लड़ाई को इतने ऊपर ना ले जाएं कि यहाँ पर हमारी नौबत इनको चलाने तक आ जाए। तो फिलहाल इसमें नुकसान उनका भी है, हमारा भी है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी दोस्तों, जिस बात से आपको बुरा लगा हो, और फिलहाल उसके लिए मुझे माफ़ करना, अपना ही बड़ा भाई समझ के माफ़ कर लेना दोस्तों। इसके सिवाय अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।